वेलकम बैक टू करियर गोल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई नो, 2 दिन से कोई वीडियो कोई अपडेट नहीं था। मैंने भी कोई वीडियो नहीं डाली और दूसरी मैम ने भी अभी तक अपना कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं किया था इस चैनल पे। उसके लिए रियली वेरी सॉरी कि 2 दिन से मैंने आपकी कोई भी क्लास नहीं ली। हाँ, मैंने आपको फ्राइडे को बोला था कि मैं सैटरडे को आपको क्रोमोजोम एंड स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, बट मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई। आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम, जो आपके 1.7 चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, पेपर फर्स्ट का टॉपिक है ये। पेपर फर्स्ट में फर्स्ट चैप्टर के 1.7 में जाके क्रोमोसोम टॉपिक आता है। उससे पहले हम इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम सेल पढ़ चुके, हम डीएनए पढ़ चुके, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ चुके, प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी अब कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास क्रोमोसोम एंड सेल साइकिल हमारा एक टॉपिक है, बस वही हमारे ये 2 टॉपिक बचे हैं। क्रोमोसोम आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेल साइकिल का जो टॉपिक है उसको खत्म होने में अप्रोक्सीमेटली 2 दिन लगेंगे। ठीक है, तो वो मैं टॉपिक आपको कल कराऊंगी। ठीक है, चलिए। आजकल आपकी क्लास तो वही अपना फिक्स टाइम है, हमेशा से 6 बजे चैनल पे अपलोड, 6 बजे चैनल पे आ जाती है। 6 बजे शाम को हमेशा 6 बजे रोज जब भी मैं क्लास लेती हूँ तो वो 6 बजे अपलोड हो जाती है आपके चैनल पे, करियर गोल्स पे। ठीक है, जो भी बच्चे स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं चैनल के लिए और टॉपिक में पढ़ने के लिए एंथ्रोपोलॉजी, वो 6 बजे जाके देख सकते हैं। मेरी वीडियो 6 बजे लाइव हो जाती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। ठीक है, क्रोमोसोम एंड स्ट्रक्चर। आप लोग बोलेंगे कि नहीं मैम, क्रोमोसोम आप पहले करवा चुके हैं। आई नो, मैं क्रोमोसोम पहले जब मैंने इसका इंट्रो लिया था एंथ्रोपोलॉजी का, तब मैंने क्रोमोसोम आप लोगों को करवाया था। आई नो वेरी वेल, बट आज मैं फिर से, क्योंकि हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं तो हर चीज़ हम डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं, तो अब हम क्रोमोसोम दोबारा से पढ़ेंगे। यहाँ मैं क्रोमोसोम पढ़ाऊंगी और मैं एक जगह आपको क्रोमोसोमल एब्रिविएशन सारे कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देखिएगा। चलिए क्रोमोसोम स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोम्स का सबसे पहले मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम्स मीन्स क्रोमो मीन्स क्रोमा मीन्स कलर और सम मीन्स बॉडी। ठीक है, क्रोमा मीन्स क्या होता है? कलर एंड सम मीन्स बॉडी। क्रोमोसोम इज ए थ्रेड लाइक सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक स्ट्रक्चर है, कंटेनिंग ऑर्गेनाइज डीएनए मॉलिक्यूल पैकेज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। क्रोमोसोम आर सीन ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज। जब माइटोसिस वाली स्टेज में मेटाफेज आता है उस टाइम पे हमें क्रोमोसोम जो होते हैं दिखाई देते हैं। मैंने आपको सेल्स में पढ़ाया था, अगर आप में से किसी को याद हो, माइटोसिस, मियोसिस, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, ये सारे फेजेस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्रोमोसोम आर सीन ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ द माइटोसिस व्हेन द सेल आर स्टेन विद ए सूचुएबल बेसिक डाई एंड व्यू अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसके बाद ईस्टेनबर्गर इन्होंने 1875 में डिस्कवर किया था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच अपियर ड्यूरिंग द सेल डिविजन के टाइम पे अपियर हुआ इन ऑल टाइप ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म लाइक ए यूकैरियोटिक। ठीक है, द वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट शेप। ओके गाइस, यहाँ पे आपको समझ में आ गया क्रोमोसोम का क्या मतलब है। क्रोमोसोम का मीन क्या है? क्रोमा मीन्स क्या होता है? कलर। एंड जोम मीन्स होता है बॉडी। ठीक है, क्रोमोसोम क्या है? एक थ्रेड लाइक सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक स्ट्रक्चर है, कंटेनिंग ऑर्गेनाइज डीएनए मॉलिक्यूल पैकेज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो कब दिखते हैं? माइटोसिस के मेटाफेज के स्टेज पे क्रोमोसोम हमें दिखाई देते हैं। द वेन द सेल आर स्टेन विद ए सूटेबल बेसिक डाई, हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसको देख सकते हैं। ईस्टेनबर्गर ने 1875 में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर्ड किया था विच अपियर ड्यूरिंग द सेल डिविजन, जो कब अपियर हुआ था? सेल डिविजन के टाइम पे। इन ऑल टाइप ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूकैरियोटिक द वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ डेफिनेट शेप एंड साइज। ठीक है, वाल्डनर ने कॉइन द
टर्म क्रोमोसोम फर्स्ट टाइम इन 1888. सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन द सोमैटिक सेल. किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? 2n से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इसलिए हम इसको डिप्लॉयड बोलते हैं. अगर n से रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो हम इसको हैप्लॉयड बोलते हैं. ठीक है. द जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर इज हाफ ऑफ द सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर एंड रिप्रेजेंटेड बाय द n हैप्लॉयड. ठीक है. टू कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आर ऑर्डिनरली आइडेंटिकल इन मॉर्फोलॉजिकल जीन कंटेंट एंड जीन ऑर्डर. दे ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सॉरी, होमोलोगस क्रोमोसोम. दो कॉपी, द टू कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, दो कॉपी जो आइडेंटिकली सेम है मॉर्फोलॉजिकली भी, जीन कंटेंट भी एंड जीन ऑर्डर भी, सब कुछ उनका सेम है, उनको हम लोग बोलते हैं मोनोलोगस क्रोमोसोम. एक सेकेंड गाइस, मैं ये चेक कर लूँ कि कैमरा सही चल रहा है ना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने पूरी क्लास रिकॉर्ड कर ली और बाद में पता चला कैमरा ढंग से नहीं चल रहा था. नहीं नहीं, कैमरा सब सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. क्रोमोसोम आते दो टाइप, मैं आपको पहले भी बताया, ऑटोसोम एक होते हैं, ऑटोसोम एक होते हैं जीनोमोसोम्स. ठीक है, दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं. ऑटोसोम क्या होते हैं? जो कर दैट कंट्रोल कैरेक्टर अदर देन द सेक्स कैरेक्टर और कैरी द जीन फॉर द सोमैटिक कैरेक्टर. ठीक है. और सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व इन द सेक्स डिटर्मिनेशन, वो क्या किस चीज में हेल्प करते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं. Humans and most other mammals have it, two sex chromosome, X and Y, also called as a heterosome. जो humans होते हैं या फिर कुछ other mammals होते हैं उनके पास दो sex chromosome होते हैं, जैसे एक X और एक Y, जिसको हम लोग heterosomes भी बोलते हैं. Female has a two X chromosome in the diploid cell. Male have the X and Y chromosome. Females के पास क्या होते हैं? XX chromosome. ये female chromosome है. और मेल्स के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. ठीक है. इन बर्ड्स द फीमेल इज अ हिट्रोजेनेटिकली एंड मेल इज अ होमोजेगेमेटिक. ठीक है. बर्ड्स में जो फीमेल्स हैं उनका जेड डब्ल्यू होता है इज अ हिट्रोगेमेट एंड मेल्स का जेड जेड होता है इज अ होमोगेमेट. ठीक. क्रोमोसोम नंबर, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर. Diploid cell is a 2n, where n is a chromosome number. जो diploid का क्या होता है symbol? हमेशा 2n, और haploid का only n. ठीक है, तो n जो किसको, n को हम किससे donate करते हैं? Denote करते हैं, n को हम chromosome number से denote करते हैं. Has a two homologous copy of each chromosome. ठीक है. Then body cell of animals are diploid. Haploid cells are n has only one copy of each chromosome, जो मैंने अभी आपको बताया. एक सेकंड गाइज, मैं आपको बीच में थोड़ा ब्रेक देती हूँ, प्लीज दो मिनट रुकिए. सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी सॉरी सॉरी, बीच में आपको छोड़ना पड़ा मुझे, आई एम रियली सॉरी. ठीक है. तो मैं आपको क्या बता रही थी, हैप्लॉइड सेल को हम किससे डोनेट करते हैं? एन से डोनेट डिनोट करते हैं, जिसमें खाली वन कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम होते हैं. इन एनिमल्स गैमेट एंड स्पर्म जो होते हैं और वो हैप्लॉइड होते हैं. क्रोमोसोम नंबर जो है वो वेरी करता है 2n to 4n equals to 2. ठीक है. n जो है वो गैमेटिक और हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है और 2n जो है वो सोमैटिक और डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. हर स्पीशीज का अपना अलग क्रोमोसोम नंबर होता है. ह्यूमंस का अलग है, एनिमल्स का अलग है, बर्ड्स का अलग है, तो सबका अपना अलग क्रोमोसोमल नंबर होता है. इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज.
नॉर्मली ऑल इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज हैव द सेम क्रोमोसोमल नंबर. ठीक है गाइस, यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? मैंने आपको अभी तक जो भी बताया वो आपको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्या है. द साइज ऑफ क्रोमोसोम इज नॉर्मली मेजर्ड, द साइज ऑफ क्रोमोसोम इज नॉर्मली मेजर्ड एट द मियोटिक मेटाफेज एंड मे बी शॉर्ट एज द 0.25 इन द फंजाई एंड बर्ड और एज ए लॉन्ग 30 इन सम प्लांट्स लाइक ए. ठीक है, ईच क्रोमोसोम हैज ए टू आर्म होती है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है. जो छोटी होती है उसको हम पी आर्म बोलते हैं, जो छोटी जो बड़ी होती है उसको हम क्यू आर्म बोलते हैं. ठीक है, क्रोमोसोम शेप इज यूजली ऑब्जर्व एट एनाफेज व्हेन द पोजिशन ऑफ प्राइमरी सेंट्रोमियर डिटरमाइन द क्रोमोसोम शेप. दिस कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर कैन बी टर्मिनल सब टर्मिनल और मीडियन इन पोजिशन. होमोलोगस क्रोमोसोम डिप्लॉयड टू ऑर्गेनिज्म हैव टू कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम एक्सपेक्ट द सेल क्रोमोसोम. बोथ कॉपी आर ऑर्डिनरी आइडेंटिकल इन मॉर्फोलॉजिकल जीन्स जीन कंटेंट एंड जीन ऑर्डर हेंस इज नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ द टू होमोलोगस होमोलोग एंड होमोलोगस क्रोमोसोम इज इनहेरिटेड फ्रॉम सेपरेट पेरेंट. वन होमोलोग कम फ्रॉम द मदर एंड अदर कम फ्रॉम द फादर. ठीक है, दोनों में से अलग अलग आता है. एक को क्रोमोसोम किस में से आएगा? मदर में से, और एक क्रोमोसोम आएगा फादर में से. तो वो डिपेंड मदर के पास, तो भाई हमारे ह्यूमंस में एक्स वाई और एक्स वाई पे फादर में और एक्स एक्स पे मदर में प्रेजेंट होता है. अब इन दोनों में से जो भी आएगा, हो सकता है एक्स एक्स भी आ जाए, हो सकता है एक्स वाई आ जाए. हमारे पास यही दो ऑप्शन है. ठीक है, इन दोनों में से जो भी आता है वो क्या होगा? इनका ऑफस्प्रिंग. ठीक है, ये देखिए, अब इसमें मैंने आपको ये बताया है कि किस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कौन सी स्पीशीज में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ह्यूमन में 46, पी प्लांट में 14 एंड आई थिंक नहीं आई एम श्योर कि सबसे कम होते हैं फ्रूट फ्लाई में इस 8. आई होप उससे कम किसी में भी नहीं हो सकते हैं. एंड देन उसके बाद हाउस फ्लाई में, देन फिर आते हैं पी प्लांट. ठीक है, तो मतलब पहले आता है फ्रूट फ्लाई जिसमें सबसे कम है, फिर है हाउस फ्लाई, देन है पी प्लांट. ठीक है, फिर रिवर बफेलो 50, बफेलो 48, कैट 38, कैटल 60, डॉग 78, डंकी 62, गॉट 60, हॉर्स 64, पिग में 38 होते हैं, कैमल में 74, रैबिट में 44, शीप में 54, म्यूल में 63, गोरिल्ला में 48, हैमस्टर में 44, चिंपैंजी 48, डियर 68, एलिफेंट 56, टाइगर 38, हनी बी में 32 भी हो सकते हैं, 16 भी. ठीक है, चिकन में 78, ये सब में, ऑस्ट्रिच में 80 हो गया, मतलब ये सब हैं. जैपनीज क्रोन में 78, हेयर में 48, लॉयन में 38, माउस में 40, रैट 42, पिजन 80. ठीक है, तो इन सब में आपको मैंने इसलिए ये क्रोमोसोमल चार्ट दे रखा है. क्रोमोसोम चार्ट है कि किस किस स्पीशीज के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है. ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, इससे आपको इजी होगा, आपको याद भी हो जाएगा अगर बाय चांस कहीं क्वेश्चन में आता है वो. कहीं क्वेश्चन में आता है तो आपको पता होगा. ठीक है, ये क्रोमोसोमल चार्ट हो गया आपका पूरा. हनी बी, इन्हें हनी बी फीमेल क्वीन एंड वर्कर हैज 32 क्रोमोसोम एंड मेल डोंट हैव 16 क्रोमोसोम. ओके, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको 32-60 क्यों दिया है. इसकी जो फीमेल है उनके पास क्या होते हैं 32 क्रोमोसोम और इनके जो मेल होते हैं वो होते हैं जस्ट आधे. ठीक है, तो क्वीन
एग हुआ, नो फर्टिलाइजेशन, टू एन हैप्लॉइड ड्रोन्स नो, और जब ये इसके साथ जायगोट फॉर्म होगा तो डिप्लॉइड लार्वा, वही जो मतलब अपने ह्यूमंस का कॉन्सेप्ट है वही हनीबी का कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पे। अभी तक हमने क्रोमोसोम का डेफिनेशन, उनकी मॉर्फोलॉजी वगैरह, देन उनका किसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो सब हमने पढ़ लिया। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में। मियोटिक मेटाफेज इज द मोस्ट सिचुएबल स्टेज फॉर स्टडीज ऑन द क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट स्टेज है मियोटिक का मेटाफेज, क्योंकि वहीं पे क्रोमोसोम का बनना स्टार्ट होता है, तो वहीं पे आप उसकी एक्चुअल मॉर्फोलॉजी जो है वो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। द क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी चेंज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। क्रोमोसोम आर द थिन कॉइल प्लास्टिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द इंटरफेज, ठीक है। एज ए सेल एंटर द माइटोसिस देयर क्रोमोसोम बिकम हाईली कंडेंस्ड सो दैट दे कैन बी डिस्टर्ब टू डॉटर सेल। इन मियोटिक मेटाफेज क्रोमोसोम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फीचर्स कैन बी सीन अंडर। ये मॉर्फोलॉजी है क्रोमोसोम की। मैंने आपको बताया था ना, एक छोटा आर्म और बड़ा आर्म प्रेजेंट होते हैं। आर्म्स ये वो है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, सेटेलाइट आर्म, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, सेकेंडरी एंड टीलोमियर्स एंड सिस्टर क्रोमेटिड। क्रोमेटिड्स क्या होता है, अभी तक हमने बहुत बार सुन लिया क्रोमेट्स क्या है। ईच मेटाफेज क्रोमोसोम अपीयर टू द लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट ईच ऑफ विच इज कॉल्ड द क्रोमेट। बोथ द क्रोमेट ऑफ द क्रोमोसोम अपीयर्स टू बी जॉइंड टुगेदर एट द पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोमियर। द टू क्रोमेट्स ऑफ द क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द मियोटिक एनाफेज and the during of anaphase second of meiosis and move towards the opposite fold. Then the second chromates making up as a chromosome are produced through the replication of single chromatid during the synthesis as phase of the interphase. They are referred to as a sister chromatid. Okay? The chromate of homologous chromosome are known as non-sister chromates. Okay? समझ में आ गया। अब सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोमियर इज अ लैंडमार्क फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ईच क्रोमोसोम हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, विच डिवाइड्स द सेंट्रोमीटर इनटू टू, डिवाइड करेंगे सेंट्रोमियर को दो सेक्शन में या दो पार्ट्स में या दो आर्म्स में। जो लॉन्ग आर्म है उसको हमेशा हम क्यू से डिनोट करते हैं, उसको लेवल भी हम क्यू से करते हैं, और जो शॉर्ट आर्म है उसको हम पी से लेवल करते हैं और डिनोट भी पी से करते हैं। तो ये केस में आता है सेंट्रोमियर में। टीलोमियर द टू एंड ऑफ द क्रोमोसोम आर नोन एज अ टीलोमियर। दे प्ले क्रिटिकल रोल इन द क्रोमोसोम रेप्लिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोमल लेंथ। टीलोमियर सर हाईली स्टेबल होते हैं। टीलोमियर के जो टीलोमियर ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम डू नॉट डिफ्यूज। द टीलोमेरिक रीजन ऑफ क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ ए रिपीटिवली सीक्वेंस टी एन जी बेसिस, ठीक है। सेकेंडरी इफ अ क्रोमोसोम एडिशन टू सेंट्रोमियर प्राइमरी वन और मोर इज इन द क्रोमोसोम आर रिप्रेजेंटेड टर्म इज ए सेकेंडरी। सेटेलाइट द क्रोमोसोमल रीजन बिटवीन द सेकेंडरी and nearest telomere is called as satellite, and chromosome that possesses the region is called a satellite chromosome or set chromosome. Thus a small chromosomal segment separate from the main body of the chromosome by the secondary is called as satellite. Size kya hota hai chromosome ka, metameric phase, submetameric phase, agametic core, telocentric, ठीक है। हाउ लार्ज साइज सीक्वेंशियली डी एन ए कैन फिट इन टू द स्मॉल साइज क्रोमोजोम। डी एन ए प्लस हिस्टोन इसको क्रोमेट, ये सब मैं आपको बताऊंगी। क्रोमोजोम पैकेजिंग, हिस्टोन्स, न्यूक्लियोजोम्स, हिट्रोगैमेटिन एंड यूकेरियोटिन, ये सब आज की क्लास में होगा। एंड आई होप इतना बहुत है डी एन ए के लिए। बाकी जो भी होगा वो हम जो है सेल, कल तो हम सेल साइकिल पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। बट आप लोग प्लीज़, आप लोगों से मेरी हमेशा से एक रिक्वेस्ट रही है, आज भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप वीडियोस में कमेंट करा करिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है,
कि नहीं आ रहा है, आप जब तक मेरे को कमेंट करके नहीं बताएंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करते रहा करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली या वो स्टूडेंट जो इस एंथ्रोपोलॉजी एज ए ऑप्शन सब्जेक्ट लेके UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका सिलेबस इससे रिलेटेड है, ठीक है, उनके पास बायो फील्ड आ रहा है, तो अभी तो मैं वैसे भी बायो ही पढ़ा रही हूँ, तो वो लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेंट्रोमेर की साइज ऑफ क्रोमोसोम पे। द साइज ऑफ क्रोमोसोम वेरी फ्रॉम स्टेज टू स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में सेल का जो साइज है वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर डिफर कर सकता है। द क्रोमोसोम आर द लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट ड्यूरिंग द इंटरफेज एंड हेंस नॉट विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। क्रोमोसोम आर द स्मॉलेस्ट एंड थिकेस्ट ड्यूरिंग द मियोटिक मेटाफेज में भी, ठीक है। क्रोमोसोम साइज इज नॉट ए प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर जो नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट है उस पर क्रोमोसोम का साइज जो है उसको कोई मतलब नहीं है। द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमियर ऑन ईच क्रोमोसोम गिव राइज द क्रोमोसोम इज अ करेक्टरिस्टिक शेप। क्रोमोसोम आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सेंट्रोमियर पोजिशन। एट वन एंड इज एक एंड को हम क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक। क्लोज टू द वन एंड इज ए सब मेटासेंट्रिक। मिडल इज ए मेटासेंट्रिक एंड ईच क्रोमोसोम हैज ए टू आर्म्स जिसमें हम पी और क्यू लेते हैं। पी इज ए शॉर्टर ऑफ द टू एंड क्यू इज ए लॉन्ग। पी आर्म इज ए स्मॉल मीनिंग होता है इसका एंड क्यू आर्म इज नेम्ड सिंपली क्यू सिंपली बिकॉज इट इज पी इज ए फॉलो इन द अल्फाबेट, ठीक है। मेटासेंट्रिक क्या है, द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रोमियर के सेंटर में, क्रोमोसोम जो है क्रोमोसोम का जो सेंटर है सेंट्रोमियर वहां पे लोकेटेड है। द सेंट्रोमियर इज मीडियन। द सेंट्रोमियर इज लोकलाइज अप्रोक्सीमेटली मिडवे और बिटवीन द ईच एंड एंड देयर बाय द टू आर रफली इक्वल इन द लेंथ। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम टेक द वी शेप ड्यूरिंग द एनाफेज, ठीक है। तो जो हम सेंट्रोमियर है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, क्रोमोसोम के सेंटर पे। सेंट्रोमियर इज मीडियन, ठीक है। सेंट्रोमियर इज लोकलाइज अप्रोक्सीमेटली मिडवे बिटवीन ईच एंड एंड देयर बाय द टू आर्म आर रफली इक्वल इन द लेंथ। सब मैट्रिक क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर इज लोकेटेड ऑन वन साइड ऑफ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर इज सब मीडियन गिवन वन लॉन्गर एंड वन शॉर्टर आर्म। सब मैट्रिक क्रोमोसोम आर मे बी जी और एल शेप ड्यूरिंग द एनाफेज, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, द सेंट्रोमियर लोकेटेड क्लोज टू द वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम। कहाँ पे लोकेट होता है, क्रोमोसोम के एक एंड पे लोकेटेड है। द सेंट्रोमियर इज मोर टर्मिनली प्लेस्ड एंड फॉर्म वेरी अनइक्वल आर्म लेंथ, ठीक है। P इज ए शॉर्ट एंड Q इज ए लॉन्ग, वो मैं आपको कितनी बार बचा चुकी हूँ। बट P शॉर्ट आर्म इज सो शॉर्ट दैट इज ए हार्ड टू ऑब्जर्व, बहुत छोटी होती है इस वजह से हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बट स्टिल वो प्रेजेंट होती है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज ए रॉड शेप ड्यूरिंग द एनाफेज। एनाफेज के टाइम पे जो उसका स्ट्रक्चर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, रॉड शेप की जाता है। टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर लोकेटेड एट एन वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम लाई एट द वन एंड। टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में भी रॉड शेप का होता है ड्यूरिंग द एनाफेज, ठीक है। ये भी वही चीज है, कैसा शेप होगा, रॉड शेप। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द सेंट्रोमियर द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में बी द सेंट्रिक विदाउट एनी सेंट्रोमियर, मोनोसेंट्रिक विद वन सेंट्रोमियर, डाइसेंट्रिक विद टू सेंट्रोमियर एंड पॉलीसेंट्रिक विद मोर देन टू सेंट्रोमियर, ठीक है। हाउ लार्ज साइज सिक्वेंशली DNA कैन फिट टू द स्मॉल साइज क्रोमोसोम्स, ठीक है। उसमें हम अभी आपको हिस्टोन्स, क्रोमेटिन ये सब मैं आपको बताऊंगी कि होता क्या क्या है। तो DNA प्लस हिस्टोन इक्वल्स टू क्रोमेटिन।
DNA plus histone equals to chromatin. DNA duplex in cell nucleus is packaged by the special protein. DNA double helix in the cell nucleus is packaged by the special type of protein जिसको हम क्या बोलते हैं histone protein. The formed protein DNA complex is called as chromatin. The structural entity of the chromatin is the nucleosome. ठीक है, ये क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड, ये हिस्टोन, डीएनए, न्यूक्लियोसोम. क्रोमेटिन से क्या फॉर्म बनते हैं, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन एंड डीएनए, और बीच में क्या आता है न्यूक्लियोसोम. तो क्रोमोसोम पैकेजिंग, शॉर्ट रीजन ऑफ द डीएनए डुप्लेक्स, डीएनए डबल हेलिक्स, बीट्स ऑफ स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन, 30 nm क्रोमेटिन फाइबर ऑफ द पैक न्यूक्लियोसोम, section of the chromosome in extended arm, condensed section of the chromosome and entire meiotic chromosome. ठीक है, histone, histone can be grouped into the 5 major classes HA1, HA2A, H2B, H3 and H4. तो कौन कौन सी क्लासेस हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये सारी क्या है, हिस्टोन की 5 मेजर क्लासेस हैं. दीज आर ऑर्गेनाइज इनटू द 2 सुपर क्लासेस एज फॉलो. जैसे कोर हिस्टोन है, उसमें आते हैं H2A, H2B, H3 एंड H4. मींस H2 से लेके H4 तक जो है वो कोर हिस्टोन में आते हैं, और लिंकर हिस्टोन में आते हैं H1 एंड H5. लिंकर हिस्टोन में H1 एंड H5 आते हैं. ठीक है, लिंकर डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए इन बिटवीन द टू न्यूक्लियोसोम कोर दैट इन एसोसिएशन विद हिस्टोन्स H1 एंड होल्ड द कोर टुगेदर. न्यूक्लियोसोम्स क्या, बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन यूकेरियोट्स, कंसिस्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ डीएनए wound around the histone protein core. Fundamental repeating unit of the eukaryotic chromatin. The nucleosome core particles consist of approximately 147 base pair. Kitna? 147 base pair of DNA wrapped in the 1.67 left-handed superhelix turn around a histone octamer consist of the 2 copies of each of the core histone, 2HA, 2HB, H3 and H4. The nucleosome core themselves coil into the cellophane shape which itself coil to further compact the DNA. ये देखिए, मैंने इतना सारा रीड करा क्योंकि मुझे पता था कि मैंने नेक्स्ट स्ट्रक्चर डाल रखा है, तो आप उस स्ट्रक्चर को इजीली देख के समझ सकते हैं. कोर पार्टिकल आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रेच ऑफ द लिंकर DNA which can up to the 80 base pair. कितना होता है, 80 base pair long होता है. Technically, एक न्यूक्लियोसोम इज डिफाइंड एज अ कोर पार्टिकल प्लस वन ऑफ दीज लिंकर रीजन. हाउएवर द वर्ड इज ऑफन सिनोनिम्स विद द कोर पार्टिकल्स. लिंकर हिस्टोन सच एज H1 एंड इज द आइसोफॉर्म आर इन्वॉल्व इन द क्रोमेटिन एंड सिट इन द बेस ऑफ द न्यूक्लियोसोम नियर द डीएनए एंट्री एंड एग्जिट द बाइंडिंग टू द लिंकर रीजन ऑफ द डीएनए. नॉन कंडेंस्ड न्यूक्लियोसोम विदाउट द लिंकर हिस्टोन resemble beads on the string DNA under the electron microscope. The protein DNA structure of chromatin is stabilized by the attachment of non-histone protein, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, nuclear matrix. In contrast to the most eukaryotic cell, mature sperm cell largely has a protein to package their genomic DNA, most likely to achieve likely to achieve a higher packaging ratio. Histone equivalent and a specified chromatin structure has also found in the archaea, proving the eukaryotic are not only organism that uses a nucleosome. ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है,
फिर न्यूक्लियोसोम है, फिर बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है, ये देखो डीएनए स्ट्रक्चर, एड कोर हिस्टोन, ठीक है, एड हिस्टोन H1, अदर प्रोटीन्स के एडिशन हुए, फर्दर प्रोटीन्स एडिशन हुआ ड्यूरिंग दिस मेटाफेज में, उसका क्रोमोसोम क्या एक्टिव हुआ है यहाँ पे, पहले खाली डीएनए था, न्यूक्लियोसोम के ऐड हुए, बीड ऑन स्ट्रिंग 30 NM फाइबर हुए, एक्टिव हुआ क्रोमोसोम और मेटाफेज क्रोमोसोम में ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। हिट्रोक्रोमेटिन टाइटली पैक्ड क्रोमोसोम है, इंटेंसली स्ट्रेन है, कंसिस्ट ऑफ जेनेटिकली इनएक्टिव सैटेलाइट सीक्वेंस, बोथ सेंट्रोमियर एंड टेलोमियर आर द हिट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। इसके बाद यूकेरियोटिन में क्या है, टाइटली पैक्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन है, डीएनए आरएनए प्रोटीन दैट आर रिच इन द जीन, जीन में कंटेंट ज्यादा होता है, अंडर द एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन, अनलाइक हिट्रोक्रोमेटिन इट इज फाउंड इन बोथ सेल विच इज यूकेरियोटिक एंड वेल एज प्रोकैरियोटिक, मोस्ट एक्टिव पोर्शन ऑफ जीनोम विद इन द सेल न्यूक्लियस। ये टेलोमियर ऑरेंज कलर रीजन इन द रीजन्स इंडिकेट द हिट्रोक्रोमेटिन, किसको इंडिकेट कर रहे हैं, हिट्रोक्रोमेटिन को, ये यूकोक्रोमेटिन है, ये सेंट्रोमियर है और ये टेलोमियर प्रेजेंट है। तो आपके क्रोमोसोम का मोस्टली यहाँ पे सारा पार्ट खत्म होता है, अगर कुछ बचेगा तो मैं वो आपको कल की क्लास में करवा दूंगी। आई नो आज की क्लास भी ज़्यादा देर की नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल मैं आज क्लास करी है, इसके लिए वेल डन बोल दो मेरे को स्टूडेंट्स। चलिए और बताइए, और मैं आपको बोल चुकी हूँ जिस भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मैंने अपना नंबर आपको लास्ट क्लास में भी दिया था, क्लासेस स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। तो प्लीज़ आपको अगर कोई प्रॉब्लम है नोट से रिलेटेड एंड एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट्स के टॉपिक से किसी से भी रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और आपकी हेल्प भी ज़रूर करूँगी, ठीक है। और बाकी तो कल हम का टॉपिक फाइनल है, अगर क्रोमोसोम में मेरे को आपका बुक्स की बुक देखनी पड़ेगी, क्रोमोसोम में कोई टॉप पॉइंट बचता होगा तो वो पॉइंट इन सेल साइकिल, ना कि कल का पॉइंट सेल साइकिल है। मेरे को तो सबसे बेस्ट टॉपिक लगते हैं ये सेल साइकिल, डीएनए, क्रोमोसोम, रेप्लिकेशन, आई लव दीज टाइप्स ऑफ टॉपिक, ठीक है। चलिए और आप लोग बताइए, क्लासेस ले रहे हो नहीं ले रहे हो, अभी तो दूसरी वाली मैम भी क्लास अपलोड नहीं कर पा रही हैं, स्टिल वो भी अपना थोड़ा जहाँ वो पढ़ाती हैं दूसरी जगह वहाँ वो थोड़ी बिजी चल रही हैं। अगर आप लोगों को और भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट तो यही एंथ्रोपोलॉजी, किसी भी टॉपिक में रिलेटेड, तो आप मेरे को इजीली कमेंट हो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर आपको इस क्लास में नहीं इससे पहले वाली क्लास में दिया है, थोड़ी मेहनत आप भी कर लीजिए नंबर ढूंढने की, अब आपको उसके लिए क्लास देखनी पड़ेगी, तो इस बहाने आप क्लास देखेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप वहाँ पे मेरे को मेरा नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, अगर आपको नोट्स चाहिए या कुछ भी आपका इशू है, मैं इशू आपका सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। चलिए उसके बाद आप मेरे को ये बताइए, ये जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ये 1.7 चैप्टर जो है मोस्ट प्रोबेबली, आज का दिन है मंडे, अभी तो वीक स्टार्ट हुआ है, सो सैड, ठीक है, एक सेकेंड मैं आपका सिलेबस ओपन कर लूँ एक बार, तो मोस्ट प्रोबेबली वेनसडे तक ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी चीज़ें बची हैं, मैं कोशिश करूँगी कि इस वीक में ये चैप्टर कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम पढ़ेंगे द नेचर ऑफ कल्चर, ठीक, ये सेकेंड चैप्टर है 2.1। उससे पहले मेरी आप लोगों से एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, कोई भी स्टूडेंट, यार आप लोग बोलते भी नहीं हैं, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, आप लोग कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है अपनी लाइव क्लास में क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग के लिए, तो प्लीज़ कमेंट, मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी, और मेरा लाइव का टाइम हमेशा 3 बजे के बाद ही हो सकता है, मतलब 2:30 के बाद या 3 के बाद या 3 या 2 के बाद तो है ही, 2 से पहले मैं कभी लाइव नहीं आ सकती, ठीक है, उससे पहले मेरे को भी बहुत काम होते हैं, तो मैं हमेशा 2 बजे के बाद ही लाइव आऊँगी, 2 से 6 के बीच में मैं आपको लाइव आऊँगी, आप मेरे को आपका ये जो भी टाइम सूट है आप मेरे को मैसेज करिए, कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए, एनीथिंग वुड यू वांट, आपको क्या करना है, कैसे करना है आप करिए, मैं उस टाइम पे लाइव आके आपको आपके साथ क्लास सेशन रख के देन मैं आपको पेपर सॉल्विंग सेशन का मैं सोच रही हूँ, और मेरा सोचना ये है या तो इस वीक के एंड में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लाइव क्लास जो रखेंगे वो
हम लाइव क्लास जो रखेंगे वो हम संडे को ही रखेंगे, ठीक है। हम किसी भी वीकडे में लाइव क्लास नहीं रखेंगे, हम संडे में ही लाइव क्लास रखेंगे। तो आप मेरे को बताइएगा कि किस दिन आपको लाइव क्लास रखनी है, जिस दिन आप बोलेंगे मैं उसी दिन लाइव क्लास रखूँगा। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। आई होप आप लोगों को मेरे पढ़ाना समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से एक बार जाते जाते रिपीट करती हूँ, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डोंट टेंशन, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर दीजिए मेरे वीडियोस के नीचे, या मेरे व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, पिंग कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर दूँगी। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, वॉचिंग माई एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट्स वीडियोज, एंड वॉचिंग माई दिस चैनल करियर गोल्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। प्लीज़ गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक करके जाए, कमेंट करिए और शेयर करिए जितने फ्रेंड्स, अपने फैमिली जो भी हैं उनके साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय एंड टेक केयर।